एपिसोड के स्टार्ट में हम वूका और एम्परर के बीच होने वाली लड़ाई को देखते हैं, जहां इनकी लड़ाई की वजह से वो पिलर टूट जाता है, जिस वजह से पॉइजनस गैस बाहर निकलने लगती है। ये देखकर एम्परर खुश हो जाता है और वूका से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जो हमारी फाइट की वजह से ये पिलर टूट गया। ये देखकर वूका और लिमू हैरान हो जाते हैं और जल्दी से उस पिलर को ठीक करने जाते हैं और अपनी पावर्स की मदद से उस पिलर को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो जादूगर और जियो आ जाते हैं, जो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी वो दोनों काफी कोशिशों के बाद उस पिलर को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जादूगर और जियो के अटैक की वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शीकियो और बाकियों को देखते हैं, जो सभी फिफ्थ लेवल पर आ चुके थे और इस लेवल पर चारों तरफ खाली मूर्तियां ही होती है, जिन्हें देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसी जगह है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई इंसान वहाँ पे लगा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर तूफान आने लगता है और फिर कोई जलते हुए वेपन की मदद से उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। शीकी और बाकी भी उस पर अटैक करके उसके वेपन को रोकते जाते हैं, लेकिन तभी फेंगलियो को टोकन मिल जाता है, इसलिए वो टोकन पत्थर के अंदर लगा देता है, जिस वजह से सारा फॉर्मेशन बंद हो जाता है। जिसके बाद फेंगलियो बाकियों से कहता है, यहाँ के मैसेंजर ने मुझे टोकन दिया है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर फिफ्थ लेवल का मैसेंजर आता है, जो इस जगह की गार्डियन करता है। लेकिन मैसेंजर का काम है कि शीकियो और बाकियों को रोकना, इसलिए वो शीकियो और बाकियों को पिंजरे में कैद कर देते हैं। जिसके बाद मैसेंजर उनसे कहता है, मुझे माफ कर देना, अगर मैंने तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने दिया तो एम्पायर ने जितने भी लोगों को मेरे तरफ से बंदी बनाकर रखा है वो उन्हें मार देगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिसके बाद वो शीकियो बाकियों से कहता है, मुझे तुम्हारा टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर चाहिए, वो तुम मुझे दे दो, और जैसे ही मैं ये ऑर्डर एम्परर को दूंगा वो मेरे सारे साथियों को छोड़ देगा। लेकिन लिन कहती है, अगर तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा, अगर तुमने वो कर दिया तब हम तुम्हें वो ऑर्डर दे देंगे। अब वो काम ये है कि तुम्हें हमें सारे खतरों से बचाकर एम्परर के पास ले जाना होगा, उसके लिए भले ही तुम हमें इस पिंजरे में रख सकते हो, तुम इस पिंजरे के साथ ही हमें एम्परर के पास ले जाना, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दे देंगे। ये सुनकर वो मैसेंजर हैरान हो जाता है और सोच में भी पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी वो लिन की बात मान जाता है और उन्हें उस पिंजरे के साथ ही उठाकर एम्परर के पास ले आता है, जहां एम्परर और बाकी सभी पिलर को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब मैसेंजर एम्परर को टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दिखाता है ताकि अब वो उसके साथियों को छोड़ दे। तब जैसे ही एम्परर उस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को लेता है, उस मैसेंजर को बताता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तो तुम्हारे साथियों को मार दिया। ये सुनकर उस मैसेंजर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने फायर वेपन को एक्टिवेट करते हुए एम्परर पे ही अटैक करने जाने लगता है। लेकिन बीच में जियो आ जाती है, पर वो मैसेंजर एकदम ही ज्यादा गुस्से में था, वो उसे तो उठाकर पटक देता है। तब सारे सैनिक मैसेंजर से लड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन मैसेंजर तो अब हद से ज्यादा गुस्से में था, वो अपने वेपन को घुमाते हुए उन सारे सिपाहियों को मारते जाता है। लेकिन तब जियो दोबारा उठकर उस जादूगर के साथ मैसेंजर पे अटैक करने लगती है, जहां दोनों मिलकर मैसेंजर पे लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन तब मैसेंजर उस जादूगर पे ऐसा अटैक करता है कि वो वही मारा जाता है। लेकिन तब जियो उस मैसेंजर पे अटैक करने जाती है, लेकिन मैसेंजर उस पे भी बहुत जोरदार अटैक करके उसे पटक देता है। तब एम्परर उससे लड़ने जाता है और अब देखते ही देखते मैसेंजर और एम्परर के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां मैसेंजर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तब एम्परर अपनी स्वॉर्ड उस मैसेंजर के सीने में ही घुसा देता है, जिस वजह से मैसेंजर एकदम ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो मरने के कगार पे पहुंच जाता है। अब एम्परर उस स्टॉर्म ब्रेकिंग ऑर्डर को ड्रैगन पिलर के ऊपर लगा देता है और जैसे ही वो ऑर्डर उस पर लगता है, चारों तरफ से गैस निकलने लगती है। ये देखकर एम्परर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अब पूरे टाउन पे मेरा ही राज होगा। लेकिन वो खुशी हो रहा होता है कि तभी पीछे से फूचन आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे एम्परर के मुंह से खून आ जाता है। और फिर फूचन उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो हमारा ही राज होगा, लेकिन वो राज तुम्हारा नहीं बल्कि सिर्फ मेरा होगा, मैं इस पूरे टाउन का नया राजा बनूंगा। साथ ही वो उसे ये भी बता देता है, कायकी कहीं नहीं गया बल्कि मैंने ही उसे मरवा दिया है, क्योंकि वो उस बेवकूफ की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लगातार एम्परर पे अटैक करने लगता है, जहां एम्परर उसके सामने कमजोर दिखाई देता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। और फिर फूचैन एम्परर को उसी पॉइजनस गैस के अंदर डाल देता है, जो देखकर शीकी और बाकी हैरान हो जाते हैं। वहीं वो मैसेंजर अपने मरने से पहले शीकी और बाकी को बता देता है कि कैसे वो उस पिंजरे से आजाद हो सकते हैं, और इतना कहने के बाद वो वहीं पर मारा जाता है।
तभी वहाँ पर रेंडाओ आ जाते हैं जो उस पिंजरे को उठाते हुए फूचेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उस पूरे पिंजरे को ही फूचेन के ऊपर कर देते हैं, जिसके बाद उस पिंजरे को दबाते हुए फूचेन को जमीन में गाड़ देने की कोशिश करते हैं, जहाँ फूचेन उस पिंजरे को रोके होता है। तब शीकी और बाकी एकदम जोर से उस पिंजरे पे मारते हैं, जिस वजह से फूचेन जमीन के नीचे ही दब जाता है, जिसके बाद वो सभी उस पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद शीकी उस पिलर को रोकने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर से पॉइजनस गैस नहीं निकले, इसलिए वो उसके अंदर से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर निकाल लेता है, जिस वजह से वो पिलर बंद होने लगता है। लेकिन वो बंद होता इससे पहले एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे फंस जाता है, जिस वजह से वो पिलर बंद भी नहीं हो पाता। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी शीकी और फेंगली उस पत्थर को हटाने के लिए जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, इससे पहले वहाँ पर फूचेन आ जाता है, जो अपने वेपन की मदद से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब वहाँ पर वूका और लीमू भी आ जाते हैं, जो सभी उसके ही वेपन से फूचेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शीकियू अपने यूनिको नाम का यूज करते हुए उस पत्थर के चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से वो पिलर बंद हो जाता है और गैस निकलना भी बंद हो जाती है। अब शीकियू फूचेन से कहता है, सारी चीजें तो खत्म हो गई, अब एक आखिरी चीज बची है, मैं तुम्हें मार कर अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। जिसके उससे लड़ना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते फूचेन और शीकियू के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ जल्दी दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पाते। तब फूचेन अपनी टेक्निक का यूज करता है, लेकिन शीकियू ने भी उस टेक्निक को सीख लिया था, इसलिए वो भी अपनी उस टेक्निक का यूज करता है। साथ ही वो उस टेक्निक के अंदर अपने यूनिको नाम की भी पावर मिला देता है, तब वो पावर फूचेन की पावर से ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद वो एक जोरदार अटैक फूचेन पे कर देता है, जिस अटैक को फूचेन झेल नहीं पाता और वो वहीं पर मारा जाता है। और इस तरह से पूरे टाउन से बुराई का खात्मा हो जाता है। अब हम जियू को देखते हैं, जो शीकी और बाकी उसे कहती है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत लगे मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। तब 11वां लॉर्ड शेनवॉन शीकियू से कहता है, हमारे साथियों ने पूरे बारबेरियन को यहाँ से भगा दिया है, अब किसी की भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। जो सुनकर शीकियू उसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद शीकियू और बाकी सभी वहां से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। और ये सीन दिखाते ही द लेजेंडरी किंग का सीजन 4 भी यहीं एंड हो जाता है। इसका सीजन 5 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वो जब रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए हम हमारी बाकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज पे इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।